वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारा प्यार और स्नेह भरो को मेरा प्रणाम। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने घर को 5-6 महीना बाद। मैं न्यू टाउन में रहता, न्यू टाउन से निकला बस में तो इतना सारा ट्रैफिक था, इस ट्रैफिक को बाय और कोलकाता को बाय बोल कर मैं निकल रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ कटिहार बिहार का। यहाँ जॉब करता हूँ कोलकाता में, इसलिए यहाँ रहता हूँ। सो बाय बाय कोलकाता। मैं आ गया हावड़ा स्टेशन और एज़ यूजुअल यहाँ हमेशा की तरह आज भी उतना ही भीड़ है, पूरा भरा हुआ। ऊपर से नीचे देख सकते हो आप लोग, प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आ चुका हूँ। ट्रेन अभी आने वाली है, टाइम हो रही है 9:30, 10 बजे ट्रेन हमारी। 15 से 16 दिन बाद, पूजा के बाद, छठ पूजा दिवाली के बाद मैं वापस कोलकाता बैक कर जाऊंगा। बगल में वंदे भारत है लेकिन मैं इससे नहीं जा रहा, और ये वंदे भारत पटना वाला है, कटिहार वाला नहीं। सो 9:30 हो रहा है, ट्रेन अब आ रही है। मेरा है S3 है तो S2 है, तो ट्रेन अब आ चुकी है और मैं S3 के सामने चले जाता हूँ। जैसे कटिहार हावड़ा आपको दिख रहा होगा ये ट्रेन, और ये S3 के सामने मैं आ गया हूँ। गेट अभी बंद है क्योंकि यहीं से जाती है। तो ये देखो भीड़ देखो, ये देखो जनरल में कैसे जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ये अवॉइड करना चाहिए। ये देखो कैसे सब चढ़ रहे हैं, मतलब गिर जाएगा कोई तो फिर क्या होगा बताओ। वैसे तो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर कोलकाता से, लेकिन अगर बिहार से कोई देख रहे हो कटिहार वगैरह से तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वहीं से हूँ। गेट वगैरह अभी भी बंद है क्योंकि यहीं से खुलती है, और मेरा नंबर है 57, तो मैं उसके सामने हूँ। ठीक है, 8 घंटे का सफ़र है, तो मैं एक 15 रुपये का 1 लीटर पानी बॉटल ले लिया, जो कि जरूरी है। टाइम हो रहा है 9:40 और ट्रेन में लाइट आ चुकी है और गेट भी खुल चुका है। सब इस तरह से जा रहे हैं, कुछ इस तरह का स्लीपर का सीट है। नेक्स्ट वीडियो में अलग से ये डाल दूंगा, हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस का रिव्यू, वो जरूर देख लेना। फिर चार्जिंग स्विच देख लेता हूँ काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, ये तो काम कर रहा है अभी। तो दोस्तों ट्रेन एग्जैक्ट 10 बजे खुल गई है, ये काफ़ी सही है, एग्जैक्ट 10 बजे खुल गई है। कुछ लोग पूछते हैं ट्रेन का वॉशरूम कैसा है, तो ट्रेन का वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये वेस्टर्न वाला है, प्लस वगैरह तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे गंदा पड़ा हुआ है। पानी तो आ रहा है पर गंदा है यहाँ पर। इंडियन जाके दिखाता हूँ, लॉक वगैरह तो ठीक है, इंडियन थोड़ा साफ़ है। यहाँ भी फ्लश चेक कर लेता हूँ। हाँ, फ्लश तो यहाँ पे पूरा आ रहा है और नल में भी पानी आ रहा है, और इंडियन ज़्यादा सही है वेस्टर्न से। इंडियन पूरा साफ़ है और अच्छा है, अंदर कोई हैंड वॉश साबुन नहीं मिलेगा आपको। रात के टाइम हो रहे 10:30, तो सोचा अब डिनर कर लिया जाए। कोई तो डिनर कर नहीं रहा है, लगता सब पहले ही कर लिया। मैं डिनर लेकर आया हूँ, 3 पराठा और ये चिकन जो मैंने खुद से ही बनाया है। खाने के बाद अच्छे इंसान की तरह ट्रेन के इस डस्टबिन में फेंक दो, बाहर कहीं नहीं फेंकना, कचरा नहीं फैलाना कहीं दोस्तों। तो टाइम हो रहा है 11, मुझे सुबह 6 बजे या 5:30 बजे उठना, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। गुड नाइट, मैं थोड़ा सोता हूँ और सुबह मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग की नींद कैसी हुई? मेरी तो ठीक ठाक हुई, बहुत बार नींद टूटी, ठीक ठाक हुई। और बाहर मुझे ओस दिख रहा है, दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो बिहार की खूबसूरती। कोलकाता में ठंड थोड़ा लेट से आती है, थोड़ा कम रहती है, लेकिन बिहार में अच्छा खासा ठंड रहता है। ये देखो ओस, देखो दोस्तों बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा। देखो सुबह सुबह का है, 5:30-6 बज रहा है, और ये देखो ओस, क्या गजब लग रहा है ये मौसम। अब मज़ा आने वाला है ठंड का असली, यहाँ पे मस्त लग रहा है ये मौसम। सामान पैक करके मैं उतर गया इस छोटे से स्टेशन में जिसका नाम है लाभा, और उसके बाद यहाँ से पापा आए थे बाइक पे, और पापा के साथ आ गया मैं अपने घर। हमेशा घर आओ तो नया नया सा लगता है, और जब अलग से सुकून मिलता है, अच्छा लगता है दोस्तों आने के बाद। घर घर ही होता है, और ऐसा मेरा कुछ रूम है। घर और रूम का तो मैं बाद में करूँगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।